हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी है, या अभी तो बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि प्लीज़ आप राहुल आईएएस के बारे में बताइए, आप स्टूडेंट हैं तो आपसे हमें बेहतर पता चलेगा, आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो इस टाइप के मुझे मैसेज और कमेंट आते हैं, मैं उनको सीधा यही बोलती हूँ कि आप कोचिंग के स्टाफ से बात करिए, राहुल सर, सॉरी कृष्णा सर और आनंद सर मुझसे अच्छा गाइड करेंगे, और मेरे से अच्छा गाइड करेंगे और मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा और बता पाएंगे। बट लोग पता है क्या दिमाग लगाते हैं और फिर क्या बोलते हैं इसके बाद, जब मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप उनसे बात करिए वो बताएंगे, तो वो ये कहते हैं कि तो कोचिंग स्टाफ है वो तो कोचिंग के फेवर में बोलेगा ही। और सबसे बड़ी बात, लोग स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि वहाँ डेमो नहीं मिलता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें राहुल आईएएस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बता रही हूँ और बिल्कुल ऑनेस्ट बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मत समझना कि हाँ मेरा डायरेक्ट कोई लिंक है राहुल सर से। राहुल सर से मेरे को कोचिंग ज्वाइन किए हुए 1 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है राहुल सर से, कुछ नहीं। उस 1 महीने के एक्सपीरियंस में मैं बता रही हूँ, और मैंने 1 महीने में काफ़ी एक्सपीरियंस लिया। आप ये मत समझना कि 1 महीने के एक्सपीरियंस में इसको क्या पता होगा, मुझे बहुत कुछ पता चला है और सब कुछ बिल्कुल ऑनेस्ट आपको बताने वाली हूँ कि आपको राहुल आईएएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी इस वीडियो में आज अच्छे से बता दूंगी। तो वीडियो आप लोग पूरी देखना। और फिर अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप डेमो की डिमांड करते हैं, मेरे मन में भी यही रही थी कि डेमो मिल जाता तो पता चल जाता एक बार, क्योंकि जो बिल्कुल नए हैं उनके मन में तो ये आएगा इतनी फीस दे रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में वो कोचिंग हमारे लिए वर्थ इट होगी या नहीं। तो डेफिनेटली होगी, इसका जवाब है होगी, क्योंकि जिस कोचिंग को डेमो की जरूरत नहीं है, किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप समझ जाओ उस कोचिंग के रिजल्ट बोलते हैं। तो आपको मैं सारी लिस्ट आपके ये क्वेश्चन की ही लिस्ट में बना के कुछ रफली मैंने ऐसे लिख लिया, ताकि जो जो डाउट्स थे आपके इंस्टाग्राम पे उसको मैं सब कुछ बता सकूं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एड्रेस, कि क्या राहुल आईएएस मुखर्जी नगर में है। तो राहुल आईएएस अब मुखर्जी नगर में नहीं है, पहले था इंग्लिश मीडियम जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, इवन हिंदी मीडियम वाले भी आते हैं वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने, और अपनी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव करके वो बेटर करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाला शालीमार बाग में ट्रांसफ़र हो गया, हिंदी मीडियम वाला अभी भी मुखर्जी नगर में है। अब कंपैरिजन करते हैं लोग कि राहुल सर तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम कैसा है कैसा नहीं, तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं बात करूँगी उस बारे में। जितना मुझे पता है कि वहाँ पर भी सर ने फैकल्टीज अच्छी रखी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बट कंपेयर मैं नहीं कर सकती। और आप लोग बाकी देख लीजिए, जहाँ राहुल सर हैं वो तो अपने आप में ही बेस्ट प्लेस है बिल्कुल। और दूसरी बात, ऑनलाइन ऑफलाइन, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन बैच लें ऑफलाइन बैच लें, कौन सा बेस्ट है। तो मैं ये भी बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दूंगी आपको, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बिल्कुल बराबर है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो हमें, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ बट वहाँ पढ़ती हूँ, ऑफलाइन बैठती हूँ, वही सेम चीज़ें लाइव चल रही होती हैं जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे होते हैं, तो कुछ खास डिफरेंस मुझे नहीं लगा। अब आप लोग कहोगे कि खुद ने फिर ऑफलाइन क्यों ले लिया। अब मैंने इसलिए ले लिया, आपकी जैसे मैं भी डाउटफुल थी, मैंने सोचा कि ऑफलाइन बेस्ट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं ऑफलाइन में कंफर्ट इसलिए भी, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ पर्टिकुलर, तो कुछ बच्चे जो बाहर अदर स्टेट में रहते हैं और राहुल आईएएस ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली रह के पढ़ना है, तो आप अपने पैसे वहाँ सेव कर सकते हैं ऑनलाइन बैच लेके। ऑनलाइन बैच के बच्चे भी बहुत सिलेक्ट होते हैं, आप अपने घर के कंफर्ट में पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। हम जो पढ़ते हैं वही ऑनलाइन वाले भी पढ़ते हैं। कई बार होता है कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम भी ऑनलाइन का एक्सेस लेके घर पे पढ़ते हैं। तो ये एक
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मटेरियल वगैरह का क्या कुछ रहता होगा, ऑनलाइन को कैसा टेस्ट मटेरियल मॉक्स वगैरह दिया जाता होगा, ऑफलाइन को कैसा दिया जाता होगा। तो थोड़ा बहुत बस इसी में सिमिलैरिटी है कि हाँ, इसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, कह सकते हैं डिफरेंस है कि कुछ कुछ चीजें हार्ड फॉर्म में ऑफलाइन वालों को मिल जाती है और ऑनलाइन वालों को भी सेम डाटा, सेम टेस्ट, सेम मॉक्स, सेम गाइडेंस, सब कुछ मिलता है सॉफ्ट फॉर्म में, फोन के पीडीएफ में मिल जाता है आपको, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये डेंजरस सवाल लगा मुझे, मुझे आई थिंक लगता तो नहीं था कि मुझे ये वाला लेना चाहिए, बट इसको भी काफी लोगों ने पूछा, एम्बिशन लॉ और राहुल आईएएस में कंपैरिजन बताइए। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं एम्बिशन को नहीं जानती उतना, बस नाम से जानती हूँ वहां कौन टीचर पढ़ाते हैं, कौन नहीं पढ़ाते, कैसी पढ़ाई होती है, कैसी नहीं होती, मुझे कोई ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मुझे एक ही चीज का पता है कि फीस का डिफरेंस है, एग्जैक्ट अमाउंट वो भी मुझे नहीं पता। तो मैं इस टॉपिक में इतना ही बताऊंगी कि मेरे को राहुल कोचिंग में जाने के लिए किसी से कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो चीज मुझे जाकर मिली भी। एक्चुअली मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं होता कि मैंने राहुल आईएएस क्यों ज्वाइन किया, मैंने इतनी फीस क्यों दी, मैं कम में भी कहीं और पढ़ सकती थी। नहीं, ये चीज भी मैं बताऊंगी वीडियो में कि राहुल आईएएस औरों से बेहतर क्यों है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, किसी इंस्टीट्यूट, किसी टीचर, किसी कोचिंग को कोई टारगेट नहीं है। मैं वहां की स्टूडेंट हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल सर की बहुत खास हूँ या राहुल सर के प्रमोशन वगैरह कर कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रही हूँ और बिल्कुल ऑनेस्टली बना रही हूँ। ठीक है, इवन राहुल सर को जरूरत भी नहीं है अपने कोचिंग में किसी प्रमोशन की, किसी एड की, कुछ भी जरूरत नहीं है। बच्चे ऑलरेडी पेंडिंग में बैठे होते हैं। कितने स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं कि हमें तो ऑनलाइन रजिस्टर प्री रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं रहा है, इस मंथ में फुल दिखा रहा है, इस मंथ में फुल दिखा रहा है। तो मैं उनको कहती हूँ वेट करिए, आप राहुल आईएएस में जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करके, मतलब इतनी हाई फीस देकर भी आपको वेट करना पड़ रहा है, तो मतलब आप समझ रहे हैं क्या लेवल मिलेगा वहां पे, और वो लेवल मिलेगा। बस मिसगाइड मत होइए आप लोग, तो बहुत कुछ बोलेंगे ये कोचिंग अच्छे, वो कुछ, इवन मुझे भी बोला गया राहुल आईएएस एक मिथ बना हुआ है बच्चों के बीच। नहीं, बिल्कुल गलत है। जो राहुल सर क्वालिटी देते हैं ना अपने एजुकेशन में, जो खुद देते हैं, वो तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 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 लेवल है, कोई बीट नहीं कर सकता राहुल सर को, कोई बीट नहीं कर सकता, और टीचर्स को भी नहीं कर सकता। बाकी टीचर्स, नीरज सर, गोमा मैम, इन दोनों की क्लासेस मैंने ली है, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया कि टीपीए मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था, अभी टीपीए मेरी स्टार्ट हुई है, मैंने ना तो अभी मेरी कॉलेज में हुई है, मेरे कॉलेज ऑन गोइंग है, तो ना तो मेरी ये कॉलेज में हुई है, ना मैंने सेल्फ स्टडी की, इसमें कुछ भी नहीं किया, और बिल्कुल फ्रेश पढ़ा है और बहुत अच्छा समझ आ रहा है। तो सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और एक लास्ट बेस्ट पार्ट बताना चाहूँगी कोचिंग की, कि बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि टेस्ट कैसे कराते होंगे, टेस्ट कैसे मिलेगा, गाइडेंस कैसे मिलेगा, तो राहुल सर ने उसके लिए भी बहुत अच्छा स्टाफ रखा हुआ है, जो आपको मोटिवेशन से लेके आपके टेस्ट, आपको कैसे क्या करना है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पूरा राहुल आईएएस आपके पीछे मेहनत करता है। सिर्फ एक टीचर राहुल सर या नीरज सर या गोमा, आप कहाँ स्टैंड करते हैं कहाँ नहीं। तो मैं पढ़ने को तो बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं और बनते भी हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनते, वो बनते हैं। मेहनत और लगन कुछ भी करवा सकती है आदमी से, चाहे आपके पास पैसे हैं नहीं है, अच्छी कोचिंग है नहीं है। मैं सिर्फ आप कोचिंग की रिव्यू दे रही हूँ, जो बच्चे कोचिंग एक्चुअल में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मुझे कमेंट और मैसेज करते हैं कि हमें ज्वाइन करना है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते ना, कोशिश करिए आप कर लीजिए, क्योंकि राहुल आईएएस में वो चीज आपको मिलेगी ना, आपका टाइम खराब नहीं होगा, क्योंकि जुडिशरी है, एक प्रॉपर गाइडेंस, टेस्ट, इंटरव्यू, सारी चीजों की आपको गाइडेंस चाहिए होगी अच्छे लेवल की, तब जाके आप कॉम्पिटेंट कर पाएंगे दूसरों से। ठीक है, तो आई होप और आई विश आप ये वीडियो आप लोगों के लिए
यूजफुल रही होगी मेरे ख्याल से, मैंने तो कोई पॉइंट मिस नहीं किया। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, अब इंस्टाग्राम बढ़ जाता है मेरा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, कौन क्या कमेंट करता है। कुछ लोगों के कमेंट तो देख के इतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभार कि अपने आप को आधा घंटा समझाने में लगता है कि अवॉइड दिस इग्नोर दिस। इवन आज भी सुबह कमेंट आया एक लड़की का कि वो कहती है कि आप ये वीडियो डाल रहे हो अपने चैनल, आपने चैनल इसलिए बनाया कि आप राहुल सर की नोट्स बनाओ, और ये लोग जज बनने की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट आप देख लो मेरी वीडियो में पहली, अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे ना तो आपको मिलेगा, उसमें तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है ही नहीं है, मार्केटिंग वीडियोज मार्केटिंग व्लॉग्स हैं, और कितनी पुरानी, 7-8 महीने पुरानी, और कोचिंग मुझे 1 महीने ज्वाइन किए हुए। मैंने अपना चैनल स्विच किया है कहाँ से, मार्केटिंग व्लॉगिंग से, एजुकेशन से, क्यों? और जबकि मेरा चैनल स्टार्टिंग में मार्केटिंग में अच्छा जा रहा था, मैं चाहती हूँ उसको कंटिन्यू करती, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना था, उसमें जाने का मतलब मैं पढ़ाई से अलग। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यूट्यूब मैनेज करना, और प्लीज़ आप लोग ऐसे बैड कमेंट ना करें, इससे छाप ना करें। अगर आपको सारी बात नहीं पता है तो आप कुछ मत कमेंट करिए, लेकिन ये मत लिखिए कि सर के नाम का एडवांटेज मैं उठा रही। नहीं, एक दो वीडियोस डाली जिसमें मैंने ये बोल दिया कि मैं नोट्स शेयर करूंगी, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था, मैंने सोचा, और वैसे भी कुछ कोचिंग का नहीं कहा मैंने कि मैं कोचिंग का कुछ शेयर करूंगी, एक वीडियो में बस दिखाई थी बुक्स वगैरह स्टडी मटेरियल, और बाकी मैंने कहा था कि मैं अपने खुद के सेल्फ नोट्स, बट बाद में पता चला कि आप वो भी नहीं शेयर कर सकते, तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिजनेस चलाता है अगर वो अपने कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है ना, तो मैं उस चीज को अपने आप से रिलेट करके सोचती हूँ कि अगर मैं राहुल सर की जगह होती तो क्या करती, मेरा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो मैं क्या करती। एक्चुअल में तब आपको चीजें समझ में आती हैं जब आप अपने आप को उस जगह पे रिलेट करते हो, तो मुझे समझ में आया वो अपनी जगह ठीक है। अगर वो नहीं चाहते उनका एक भी शब्द बाहर जाए तो नहीं जाना चाहिए, बस वो मैंने मिस्टेकली, मुझे नहीं पता था कि सर एक्चुअल में ये चीज सर के टर्म्स एंड कंडीशंस है, मुझे ये चीज का आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि इस लड़की ने आगे वीडियोस अपलोड की हैं इसके ऊपर, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, अपने डेली व्लॉग्स रखे, अपने सेल्फ स्टडी रूटीन रखे, मेरे पास बहुत कंटेंट है और मैं सक्सेस में इतनी, मेरे अंदर पेशेंस है, मुझे अपना चैनल चलाना होगा तो मैं अपनी एबिलिटी से, अपने टैलेंट से चला लूंगी, मुझे किसी का एडवांटेज लेके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर डाउट नहीं है कि मैं कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है जब आप मेहनत करते हो, जी जान से करते हो किसी चीज में, तो आप जरूर कामयाब होते हो। अभी मैं वीडियो पंखा ऑफ करके बना रही हूँ, फैन ऑफ करके बना रही हूँ, इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो एटलीस्ट आप इस चीज की रिस्पेक्ट करें। आपको कोई चीज बेकार लगती है आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन आप अगर बोलना है, कमेंट करना है, तो आप सारी चीजें पहले देख लीजिए, आप सारे वीडियो देखिए, टूजेंट एक नहीं, कई बार गलती भी हो जाती है आदमी से, और लॉ स्टूडेंट हो आप तो जानते हो गलती, मिस्टेक एक एक्सेप्शन है, कानून भी माफ कर देता है अगर गलती से कोई चीज होती है, ठीक है? तो आप सारी वीडियो देख के करिए, नहीं तो अगर एक वीडियो देख के अगर आप कमेंट करें तो ये बहुत गलत करें, ये आप अपने आप को शो करें, मेरा कुछ नहीं जानना। मैं धीरे धीरे इग्नोर करने की मेरे अंदर आदत होगी। और एक चीज और बता दूं, मैंने इस बारे में कृष्णा सर को बता दिया है, बात कर ली है उनसे कि सर मेरे से ऐसा सा हो गया, और बच्चे इस तरीके से कमेंट करे, उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, तुमने कोई गलत वीडियो नहीं डाली, उनको इग्नोर करो, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, नहीं हुए तो कमेंट में ही सारी चीजें आप दोबारा से पूछ लीजिए, मैं कमेंट रिप्लाई करती हूँ, सबके करती हूँ और सब कुछ बताऊंगी। अच्छा, एक लास्ट चीज और रहेगी, वो लड़का 2 दिन से मुझे रेगुलर मैसेज कर रहा है कि आपने बोला था वीडियो बनाओगे, उसको चाहिए हरियाणा जुडिशरी के लिए कोई बुक, तो ये मैं बुक दिखा रही हूँ, आई होप आप वीडियो देखेंगे, और जिनको भी जरूरत है ये बुक बहुत अच्छी है। जब मुझे कोचिंग नहीं मिली थी तो मैं भी सेल्फ स्टडी कर रही थी, सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी, तब ये बुक मैं लेकर आई थी, जब मुझे मतलब मेरा भी कोई चांस नहीं था कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगी, वो तो बस भगवान की कृपा थी मुझे कोचिंग मिल गई। तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी, मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है बट आपके लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, ताकि एक एनालाइज कर सकूं, आपको समझा सकूं कि हाँ ये बुक
आपके लिए बेटर है या नहीं है। देखो मैंने पता तो जब खरीदा था तभी, क्योंकि एक्सपेंसिव बुक है ये, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी आपको, तो बुक बहुत अच्छी है। उस टाइम भी मैंने थोड़ा पता किया था और अभी तो मैंने पढ़ के देखा, इसमें बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेंस के लिए है और रिटर्न आंसर रिटर्न है, इसमें आंसर लिखे हुए हैं। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और हरियाणा, और जिसका ये क्वेश्चन था जो मैसेज कर रहे थे उनके लिए स्पेशली है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक एक पॉजिटिविटी फैलाइए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।